पौराणिक काल से ही योद्धाओं को उनकी उत्कृष्टता के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता था। इन सब बातों का उल्लेख हमारे ग्रंथों और पुराणों में निहित है। आज हम देखेंगे कि रामायण तथा महाभारत काल के सभी योद्धा किस श्रेणी में आते थे। आपको ये जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि अभिमन्यु महज 16 साल की नाबालिग उम्र में ही युद्ध कला में अपने पितामह भीष्म के बराबर थे। ऐसे ही कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले तथ्य आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हमें योद्धाओं को किन श्रेणियों में और किस प्रकार बांटा जाता था ये जानना आवश्यक है। किसी भी योद्धा को उसकी उत्कृष्टता के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं रथी। एक रथी योद्धा एक साथ 5,000 सैनिकों से युद्ध करने में सक्षम होता है। इस श्रेणी में आने वाले योद्धा हैं शकुनी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जयद्रथ, शिखंडनी और सभी कौरव और उपपांडव। किंतु कई पुराणों में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि जयद्रथ 2 रथी योद्धाओं और दुर्योधन 8 रथी योद्धाओं के बराबर थे। फिर दूसरे स्थान पर आते हैं अतिरथी। एक अतिरथी योद्धा 12 रथी योद्धाओं के बराबर होता है, अर्थात एक अतिरथी योद्धा एक ही समय पे 60,000 सैनिकों से युद्ध कर सकता है। इस श्रेणी में आने वाले महाभारत तथा रामायण काल के योद्धा कुछ इस प्रकार हैं। भगवान राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश और ऋषराज जामवंत, महाभारत काल के भीम, कृपाचार्य, घटोत्कच और पांचाल के राजा द्रुपद इसी श्रेणी में आते थे। किंतु कुछ योद्धा जैसे पांडुपुत्र भीम को 8 अतिरथियों के बराबर माना गया है। इस श्रृंखला के तीसरी श्रेणी में आते हैं महारथी योद्धा। एक महारथी योद्धा 12 अतिरथी योद्धाओं के बराबर होता है, अर्थात एक ही समय पर 7,20,000 सैनिकों से युद्ध करने में सक्षम हो ऐसा योद्धा। इस श्रेणी में आने वाले योद्धा थे रामायण काल के भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, रावण, बाली, अंगद एवं अतिकाय, और महाभारत काल के भीष्म, अभिमन्यु, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, बलराम सब इसी श्रेणी के योद्धा माने गए हैं। किंतु इनमें से कुछ योद्धा जैसे कर्ण और अश्वत्थामा 2 महारथियों के बराबर, गुरु द्रोण 3 महारथियों के बराबर एवं भीष्म और अभिमन्यु दोनों 4 महारथियों के बराबर माने गए हैं। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अभिमन्यु और भीष्म दोनों ही युद्ध कला में एक समान थे। हालांकि आपको ये बताना भी जरूरी है, भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को अतिरथी योद्धाओं की श्रेणी में रखा गया है, किंतु राक्षस कुल से होने के कारण उनकी शक्तियां रात्रि के समय महारथियों के समान हो जाती थीं। इस श्रृंखला के चौथे चरण पे आते हैं अति महारथी योद्धा, अर्थात ऐसे योद्धा जो 12 महारथी योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सैनिकों से एक ही समय पर युद्ध करने में सक्षम हो। इस श्रेणी में आने वाले योद्धा हैं भगवान राम, कृष्ण और हनुमान। असुरों की बात करें तो रावण के पुत्र मेघनाथ ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो इस श्रेणी में आते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक तप करके भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके उपरांत उन्हें कई दिव्यास्त्र मिले जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और शिव जी का पशुपतास्त्र, जिसके बाद मेघनाथ को इस श्रेणी का योद्धा माना गया। महाभारत युद्ध के एक ही योद्धा थे जो इस श्रेणी में अपनी जगह बना पाए और वो थे कुंती तथा भगवान इंद्र के प्रसाद पुत्र अर्जुन। उन्हें कठोर तप के बाद भगवान शिव से उनका पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिसके बाद वो अति महारथी श्रेणी के योद्धा बन पाए। इस श्रृंखला की अंतिम श्रेणी में आते हैं महामहारथी योद्धा जो
24 अति महारथी योद्धा या यूं कहें तो 2,73,60,000 सैनिकों से एक ही समय में युद्ध कर सकते हैं, या ये कहना उचित होगा कि ऐसे योद्धा जिन्हें परास्त करना असंभव हो, जो अजेय हो। इस श्रेणी में आने वाले योद्धा हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, गणेश, मणिकांत और माँ शक्ति। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी देवता संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी श्रेणी में रखना उचित नहीं। पर ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको पुराण तथा ग्रंथों के अनुसार बताए। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।